हेलो गाइस, आमे क्रिस्टल स्ट्रक्चर विषय पढ़ी सारे एवं आम कौन देखा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके सो बिफोर दैट विल जस्ट रिवाइज द थिंग्स क्विकली। फर्स्ट आम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विषय पढ़ी जो कहते कि आम केवल आटम्स मैंने कर्नर में प्रेजेन्ट था राइट। तो कर्नर में जिते बड़े आटम मैंने प्रेजेन्ट था वी कैन से दैट 8 कर्नर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/8 पर आटम विल बी 1 आटम। मैंने टोटल आमर जब आम काउंट करवा केतेटा आटम प्रेजेन्ट अच्छा गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे देन इट विल बी 1। देन इफ यू विल गो टू द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर रे कौन होछ हमर कॉर्नर रे रहउछंती जोटा 1 एटम एंड देन वी विल हैव अनदर एटम इन द बॉडी सेंटर। तो हमर टोटल नंबर ऑफ एटम केते हो जाउछ 2 एटम्स। देन इफ यू विल गो टू द फेस सेंटर, फेस सेंटर रे जदि हम देखिबा सेठी कौन होछ हमर कॉर्नर सहित फेस रो सेंटर रे भी एटम्स माने प्रेजेंट रहउछंती। फेस रो सेंटर जदि हम कंसीडर करूछे गोटे फेस रो एक्चुअली कॉमन केतेटा यूनिट सेल रहइबो 2टा। तो आमर जो भी आटमटा रहा से केते कंट्रीब्यूशन दौर गोटे यूनिट सेल को 1/2 राइट। सॉरी आई मिस्ड द डिवीजन साइन हियर। ओके सो 6 फेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आटम पर यूनिट सेल, तो टोटल केते हो गला 3 आटम्स हो गला राइट। तो टोटल आमर टोटल नंबर ऑफ आटम केते हला कॉर्नर पे 1 एंड देन फेस सेंटर पे 3 दैट इज 4 आटम्स। ओके नाउ वी विल गो टू द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी विल लुक इनटू द वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन माने आम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर करवा इधर इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस और समवेयर इन बिटवीन। ओके बट गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे ही रहइबो। तो जदि आम लाइक ए स्पीयर जो प्लेस करा जाय छी टचिंग ईच अदर आम जब सेंटर रे गोटे पर्टिकुलर एक्सिस नबा देन वी कैन से दैट लाइक दीज आर इन अ डायरेक्शन एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर, से मैंने ईच अदर को टच करके अच्छा। ओके तो ये आम जब गोटे आटम कनसीडर करवा लेट अस कनसीडर दिस आटम एंड देन इफ यू वॉन्ट टू काउंट द कोऑर्डिनेशन नंबर देन द नंबर ऑफ नेबरिंग आटम्स टचिंग इट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर जोटा कि 1 एंड हियर 1 मोर 2। तो ये आम कोऑर्डिनेशन नंबर फर दिस पर्टिकुलर आटम विल बी 2 ठीक अच्छे। तो से कहे कि आम क्लोज पैक जिते बड़े गोटे जिनस नवा सेतबेले आमे नेबरिंग आटम कैलकुलेट करि परबा एंड दस वी कैन से अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो बिफोर गोइंग टू द थ्री डायमेंशन वन वी विल गो फर्स्ट टू द टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर राइट। द टू डायमेंशन रे आमे कोन करबा जमती आम ये वन डायमेंशन रे गोटे रो नहीं आम सेम गोटे रो नवा। ओके एंड देन इफ यू विल नेम दैट रो एज ए ए टाइप देन वी हैव टू प्लेस द अदर रोज मैंने सिमिलर रो मानक आम प्लेस करवा से टू डायमेंशनली आम गोटे डिरेक्शन में जाइए सपोज एक्स डिरेक्शन में आम केवल गोटे रो रखिले एवं वाई डिरेक्शन में भी आम एक्सपैंड करवा से रो को राइट। तो से कहे कि दुटा टाइप रो क्लोज पैकिंग हो पार टू डायमेंशन रे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कहे जदि आम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ठीक अच्छे हॉरिजॉन्टली एमती एंड वर्टिकली आम जदि अलाइन करवा इच रो को सिमिलर टू द ए टाइप ताहले कौन हम आम ए ए ए टाइप रही आसीज स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ठीक अच्छे। बिकॉज हियर इफ वी विल कंसीडर दिस आइटम ओके जहाँ चारिपटे आम रेड कलर रोटे बक्स होती जब कनसीडर करवा एंड देन वी विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर देन हियर वी कैन सी दैट दिस टॉप वन एंड दिस टू साइड वन्स अलॉन्ग विथ दिस बॉटम वन दिस आर द लाइक नेबरिंग आइटम्स टू इट व्हिच आर टचिंग इट। ओके तो आम कोऑर्डिनेशन के 4 हम एंड देन आम जदि सबुतक जो जहाँ भी आम नेबरिंग आइटम अच्छे तार सेन्टर रू आम लाइन ड्र करवा वी विल गेट अ स्क्वायर दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज ए ए टाइप कैन बी सेड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग ठीक अच्छे। तो सेकेंड रोटा कौन होची एक्जाक्टली अबव द फर्स्ट रो रहउचे। ओके तो आम फर्स्ट एटा जब कनसीडर करेंगे एक्जाक्टली अबव रे हमर सेकेंड रो रहा थर्ड रो फोर्थ रो सिमिलरली कंप्लीट आमर जिते भी बड़ वी कैन से लेयर थी और वी कैन से जिते भी बड़ आम रो एंड कलम्स रही पैकिंगटा थी ए फर्स्ट रो ऊपर ही सेकंड रो पूरा एक्जाक्टली अबव रे रहतो। बट आम जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये देखा आमर गोटे रहा ए। ओके तो रो ए जहाँ भी डिप्रेशन पॉइंट रहा दिस वन हियर वी हैव टू फिट द रो बी ठीक अच्छे। एबे सिमिलरली आम जमी रो ए डिप्रेशन रे फिट कले रो बी को आम रो अगेन रो बी डिप्रेशन रे फिट करवा आउ गोटे रो को एंड व्वेन वी फिटेड दिस थर्ड रो वी सॉ दैट
आमर फर्स्ट रो सहित सेटा सेम हो जाए तो ये जो टाइप रो पैकिंग को और अरेंजमेंट को हम कौन कहवा ए बी टाइप ओके एंड हियर इफ वी विल काउंट द और कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर वी विल गेट लाइक हियर 1 2 3 4 5 6 एंड द स्ट्रक्चर और द शेप दैट वी गेट फ्रॉम जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस नेबरिंग एटम्स विल बी अ हेक्सागन दैट्स व्हाई आम एटा कौन कहे हेक्सागनल क्लोज पैकिंग फाइन द सेकेंड रो इज स्टैगर्ड टू द फर्स्ट वन स्टैगर्ड मैंने तार डिप्रेशन रे रोचे गोटे लाइक गोटे अलग ओरिएंटेशन रे ठीक अच्छे तो कौन कहला से कि सच दैट इट स्पीयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो फाइन तो ये क्लीयर है टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्क्वायर रहीपर और हेक्सागनल रहीपर एवं आम थ्री डायमेंशन को जीवा ठीक अच्छे तो थ्री डायमेंशन को जो आम जामें कौन करवा टू डायमेंशन र जहाँ भी हमें क्लोज पैकिंग देखिले से गुड़ाक आम बेस नबा एंड देन वी विल मेक द थ्री डायमेंशनल वन जमी आम वन डायमेंशन रो गुड़ाक जॉइन करके टू डायमेंशनल पाइले सेमती टू डायमेंशन रो लेयर आमको मिलला गोटे से लेयर गुड़ाक लाइक इन द एक्स एक्सीस इफ वी विल और इफ दिज आर द एक्स एंड वाई एक्सीस लाइक दिज आर द वाई एंड एक्स एक्सीस आम जो जेड एक्सेस अलॉन्ग रे गोटे गोटे लेयर रखा देन वी विल गेट द थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग राइट तो आम फर्स्ट देखा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जोटा कि आम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर रु नहीं जाए ठीक अच्छे तो फर्स्ट गोटे आम लेयर नेले ओके सपोज दिस इज द लेयर ए और वन ठीक अच्छे देन सेकेंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर आम ये लेयर गुड़ाक एक्जाक्टली एबव हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइन करके प्लेस करें ठीक अच्छे तो ये आमको जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलला दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक मैंने यदि गोटे आटम नबा एंड देन इफ वी विल ट्राए टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन और द नेबरिंग आटम्स वी विल गेट अ क्यूबिक सेप ओके से कौन कह क्यूबिक पैक देन वी विल गो टू द हेक्सागनल वन ठीक अच्छे तो आम दुटा थी टू डायमेंशन के क्यूबिक एंड हेक्सागनल क्यूबिक आम सरला आई मीन स्क्वायर स्क्वायर आम सरला एवं आम हेक्सागनल को जाऊे ओके सो हियर दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली देख ये आम लाइट रेड कलर रे आम गोटे लेयर अच्छे ओके एंड देन अबव दैट वी हाव अ लेयर विथ डार्क रेड कलर सर्कल्स दैट रिप्रेजेंट द आटम्स ये से कौन कर फर्स्ट जितेबाला से गोटे लेयर रखिला हेक्सागनल जोटा कि लाइट रेड कलर तार जहाँ भी डिप्रेशन रहा और वी कैन से द गैप बिटवीन देम आर फिल्ड विथ दिस लेयर ओके तो गैप बिटवीन देमटा फिल होती राइट तो ये आम जो एग्जाम्पल नवा फर्स्ट रो आम यार फर्स्ट लेयर रो फर्स्ट रो ओके एंड फर्स्ट लेयर रो सेकेंड रो यहाँ रहा राइट एबे आम जदि ओके सो आई विल शो यू विद द पेन ओके सो लुक दिस वन इज द फर्स्ट रो दिस वन राइट तापर सेकेंड रो आम कौटा है ये जो सर्कल अच्छी ए दिस वन लाइट कलर से आम देखा सेटा सेकेंड रो राइट ता मझे गोटे वॉइड अच्छे गैप अच्छे आम जो अरेंज करके रखुचे गोटे गैप रहा दिस वन ये जो गैपटा को आम कौन कहवा टी टी कौन आम टेट्राहेड्रल गैप आम दुटा टाइप र गैप थाए टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल तो यहाँ हूँ टेट्राहेड्रल गैप ठीक अच्छे ओके नाउ वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ गैप टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल तो टेट्राहेड्रल है जिते बार ट्रायंगल शेप रहा गोटे गैपटे बनुच्छे मैंने आम ये कौन अच्छे गोटे लेयर तीन टा आइटम अच्छे एंड देन अबव दैट द सेकेंड लेयर हैव वन आइटम अबव दैट गैप ठीक अच्छे तो तीन टा आम रहा गोटे प्लेन रे तापर अबव दैट आम कैप भाया गोटे आइटम प्लेस कराला ठीक अच्छे तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड देन इफ यू विल गो टू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कौन हो देख आमर तले लेयर जदि आम कनसीडर करवा सेंटर रू दिस थ्री आर मेकिंग लाइक ट्राएंगल राइट दिस वन देन दिस सर्कल एंड देन दिस सर्कल ठीक अच्छे ये तीन टाइम गोटे लाइक ट्राएंगल फर्म करुचे देन आम जदि एबव रे देखा देख एटा गोटे ट्राएंगल थी ये टाइप ठीक अच्छे देन आम जदि ए सर्कल जोड़ा कि सेकेंड लेयर रे प्लेस होती देखा देन वी कैन सी दैट दिस इज मेकिंग एन उल्टा ट्राएंगल और द वर्टिसेस आर लाइक अपसाइड डाउन वी कैन से ठीक अच्छे तो ये तीन टाइम जब आम सर्कल ना आम देखा कि दुटा ट्राएंगल अच्छे एंड देन मझेरे आम गोटे वॉइड क्रिएट होती राइट तो से वॉइडटा को आम कौन कह ऑक्टाहेड्रल वॉइड
ओके तो ये आम नेक्स्ट स्लाइड रे आम भलि बुझा अक्टाहेड्रल आउ टेट्राहेड्रल वॉइड कौन ये जस्ट मुझे मेनसन करने चाहूँगी कि जदि आम हेक्सागोनल सेकेंड टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर नबा एंड देन इन दैट वी विल प्लेस अनदर हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर बट तार अलाइनमेंट जदि सेम नमें जब डिप्रेशन गुड़ाक देखिकी प्लेस करवा देन वी विल गेट डिफरेंट टाइप डिफरेंट वॉइड्स ओके एंड ए टाइप टाक आम कौन कह देख तल लेयरटा को जब ए टाइप कहवा देन सेकेंड लेयरटा आम बी टाइप हम बिकज सेम अलाइनमेंट ना ठीक अच्छे देन अगेन अगेन इफ वी विल हाव ए लेयर देन आमर थ्री डायमेंशनल जो पैक आसा हेक्सागोनल हम बट अगेन इफ यू विल हाव अनदर काइंड ऑफ लेयर जोटा कि सी जोटा ए आउ बी ठार पूरा अलग देन वी विल गेट क्यूबिक क्लोज पैक लेयर ओके सो दुटा टाइप रमर थ्री डायमेंशनल पैकिंग आसो जितेबाला आम हेक्सागोनल टू डायमेंशनल लेयर नबा राइट तो ए बी टाइप गोटे आसो एंड ए बी सी टाइप गोटे आसो ओके सो बिफोर दैट हियर वी विल नो अबाउट द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड ओके सो ये मुझे आमर फर्स्ट लेयर रे ब्लू कलर जोटा देखा है जेटा फर्स्ट लेयर ओके तो फर्स्ट लेयर रे एमती आइटम थिला अरेंजमेंट थिला एटी गोटे सर्कल थिबो देन एटी आमर गोटे रो थिबो एटी गोटे रो थिबो डिप्रेशन रे राइट एटा आमर हेक्सागोनल पई देन अबव लेयर रे आमर ए तीनटा जकर गैप को कवर करके गोटे आइटम प्रेजेंट थिबो राइट तो ये जो होलटा क्रिएट हेले एटा को हम कोन कहबे टेट्राहेड्रल होल जोठी एटा आमर गोटे स्मॉलर आटम कि किसी भी गोटे एंटाइटी को रिप्रेजेंट करके देखा जाए कि यहाँ हूँ टेट्राहेड्रल होल ओके सो व्हाई द नेम टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल बिकॉज आम जदि गोटे प्लेन के कंसीडर करूँ ब्लू तीन टा आटम को एंड देन रेड आटमटा आमर एबव रे रोचे ठीक अच्छे एंड इफ वी विल जॉइन द सेंटर ऑफ ईच आटम वी विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जोटा कि टेट्राहेड्रन व्हाई बिकॉज़ इट हैव फोर साइड्स ठीक अच्छे टेट्राहेड्रन से आम ये होलटा को कौन कहे टेट्राहेड्रल होल देन इफ यू विल सी ऑक्टाहेड्रल होल ये कौन होमर गोटे लेयर रहा जोटा ब्लू वन जोटा बिलो रे अच्छे मैंने तल लेयरटा एंड देन अबव वी आर हैविंग अनदर लेयर जोटा कि आमर प्रेजेंट अच्छे आमर सेकेंड बी टाइप रेयरटा then also we are having one kind of gap but that is different from the tetrahedral hole because tetrahedral re to gote hole juta thila taku gote hi atom cover kar dutla but ethi amara tinta atom ro alignment manne tinta atom present he ki bi amara gote type ro hole form hochi that is known as the octahedral hole okay so here also if we will join the center of all these atom present here then it will form a octahedron with eight sides that's why the name is octahedral hole okay so now here I said ki ame jodi two dimensional hexagonal packing naba and then we will place or align different layers tahale ame इधर पाई परिबा ए बी टाइप और ए बी सी टाइप ठीक अच्छे तो ए बी टाइप पाइले हमको हेक्सागोनल पैक मिलिबो जदि ए बी सी टाइप पाइबा हमको क्यूबिक क्लोज पैक मिलिबो ओके सो हियर लाइक दे हैव सोन समथिंग कि हम आमर एटा एच सी पी हेक्सागोनल क्लोज पैक जोटा कहा हो एंड एफ सी सी हमको मिलिबो जोटा हमें क्यूबिक क्लोज पैक कहबा ठीक अच्छे तो क्यूबिक क्लोज पैक जितेबेला हमें ऑब्टेन करूचे फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोज पैक टू डायमेंशनल लेयर्स सेतबेले हमको एफसीसी मिलुचे ठीक अच्छे ओके नाउ इन द थ्री डायमेंशनल लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वन ठीक अच्छे तो आम ए देखा टेट्राहेड्रल केमती रोचे एंड ऑक्टाहेड्रल केमती रोचे थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल पाई आम जब गोटे फिगर बी आम देखा फर्स्ट एंड वी विल कंसीडर अ स्मॉल क्यूब देन इफ वी हैव द आटम्स इन द कॉर्नर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर इन द टॉप वन एंड फॉर द बॉटम फेस इफ वी विल हैव एक्जैक्टली सेम काइंड लाइक द डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स आर फिल्ड बट दिस डायगनल्स आर अपोजिट टू द वन दैट आर इन द टॉप ठीक अच्छे टॉप रे आमर जदि आम कह दिस इज वन एंड टू ठीक अच्छे ताले एटा आमर थ्री आउ फोर हो तो आमर वन एंड टू इज फिल्ड इन द टॉप एंड थ्री एंड फोर आर फिल्ड इन द बॉटम एबे आमे जदि चारिटा जहाँ भी आटम रहा आम जॉइन करवा देन वी विल गेट अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट एज दैट ऑफ द टेट्राहेड्रन जोटा आम देखे ए स्लाइड रे राइट तो आमर ये कौन थी गोटे प्लेन थिला एंड देन अबव रे गोटे थिला सेमती आमर ये भी रोचे मैंने कनसीडर कर दिस एज अ प्लेन
this one where three atoms are present. आमे कही परबे एटा अबव रे छि राइट एंड द गैप बिटवीन दिस दिस थ्री एंड वेयर दिस विल एक्ट एज अ कैप एटा आमे कोन कहबा टेट्राहेड्रल वॉइड कहबा ओके एंड अगेन इफ वी विल कंसीडर अ होल क्यूब दिस वन एज अ यूनिट सेल एंड इफ वी विल कंसीडर दिस एज अ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन वी कैन से और यूनिट सेल देन वी कैन से दैट आमर आम जब डिवाइड करूचे एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन रे आम आठटा इक्विवेलेंट क्यूब पाउचे तो गोटे क्यूब्रे जब गोटे टेट्राहेड्रल वॉइड है तो आमर आठटा क्यूब्रे आठटा टेट्राहेड्रल वॉइड हम एंड आम जाने एफसीसी रे टोटल नंबर ऑफ एटम इज फोर तो वी कैन से दैट द फॉर एन नंबर ऑफ एटम्स in a particular unit cell the number of tetrahedral void will be 2n okay so tetrahedral ta kete hichbo 2 multiplied by n ebe ame jodi octahedral dekhiba octahedral re kon hochi ame division kar deche 8 parts re now here we are like joining the face centered atom eta face amara these are the faces and here we are joining these faces right आम जो जॉइन करेंगे सेतबाला गोटे ऑक्टाहेड्रल शेप मिलूचे दैट्स व्हाई इट्स द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओके तो आम बॉडी सेंटर रे आम कही पार एक्जाक्टली बॉडी सेंटर रे आम गोटे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आमको ये मिलला देन जदि आम ये कौन करते फिगर ए रे वी हैव कंसीडर्ड वन यूनिट सेल इफ इन द फिगर टू वी विल कंसीडर लाइक द वी विल लाइक ट्राए टू ड्रॉ the lines or we will try to join the atoms that are in the face center along with the corners tahale ame dita unit cell number pe padibo eta gote unit cell thila and in the adjacent if there will be another unit cell simply dekho eta gote face re achi here is a face centered atom here also there will be a face centered atom thik achi egude amar face centered atom rahile and top like below and above jota achanti seta amar corner atoms rahile now here we will get a octahedral void in the edge center thik achi e jo edge ta rahila cube ra this one I will show you here e jo edge ta amar rahila this one in the middle actually there will be a void it thik achi ओके नाउ इफ यू विल लाइक कैलकुलेट कि हमारे केतटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहबा देन गोटे एफसीसी पाई वी कैन से दैट फॉर अ बॉडी सेंटर गोटे रहबा हमर ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन एज सेंटर पाई हमर कोन हबो लुक आमे जदि गोटे रूम नबा उ तार कॉर्नर नबा गोटे कॉर्नर नबा आउ आमे कहबा कि ठीक अछि एई कॉर्नर को लागि कि हमकु हमर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें बनै छै तो केते टोटल मैक्सिमम हबो फोर रूम्स वी कैन मेक फ्रॉम दैट कॉमन एज राइट तो आम जब गोटे आटम से प्लेस करवा से कौन चार्टा रूम डिवाइड हम इक्वली तो वी कैन से दैट द कंट्रीब्यूशन फॉर द एज सेंटर आटम विल बी 1/4 सो हियर एज इन अ क्यूब वी आर हैविंग 12 एजेस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 विल बी 3 एंड हेन्स 3 ऑक्टाहेड्रल साइड विल बी देयर ओके और वी कैन से फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देयर विल बी 3 आटम्स ठीक अच्छे and another will be in the body center the total ke thile chatta amara octahedral atom contribution rahibo to fcc ame jani chhe amara chatta atom thae and octahedral bhi we got 4 atoms so we can say that for a unit cell with n number of atom the number of octahedral atoms or we can say the number of atom present in the octahedral void will be n thik ache to tetrahedral pai 2n present hobo octahedral pai n present hobo okay So this is about the voids and the closed packed structures. Now we will see a question and then end this session. Okay, so here is the question. Kaise kahichi ki gote compound form hechi dui ta element x and y ru and then atoms of the element y jota ki anion seta gote closed pack cubic closed packed structure form karche. Okay. And those of the elements x x jota ki se kahichi cation se mane octahedral void re achanti. नाउ से कहे फाइंड द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड ओके नाउ हियर इट्स सेइंग दैट द आटम वाई इज मेक्स द सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक कौन कर एलिमेंट वाई करें जदि कह एलिमेंट एक्स कौटी अच्छी देन इट्स सेइंग अबाउट द ऑक्टेहेड्रल वॉइड तो ऑक्टेहेड्रल वॉइड रे कौन अच्छे एक्स अच्छी
ओके सो जेतेबेले आमे डिस्कस करले अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आमे कोन कहले जेतेबेले हमर गोटे यूनिट सेल फॉर्म होतव किछ भी को भी टाइप रो गोटे सर्टेन यूनिट सेल फॉर्म होतव तार जेते भी नंबर ऑफ एटम्स थिबे दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ता माने कोन हबो वाई वाई रो वैल्यू किछ भी हेथाउ दैट विल बी इज इक्वल टू माने वाई जदि हमर वाई एलिमेंट है जदि एन थिबो देन एक्स एलिमेंट भी हमर एन रहइबो राइट सेम नंबर ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट तो रेशियो कोन हबो 1:1 हबो दस द फार्मूला फॉर द कंपाउंड विल बी एक्स वाई ठीक अच्छे तो ये टाइप रो क्वेश्चन तुम आसो बोर्ड एग्जाम रे एंड डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स भी तो तुम ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड अलॉन्ग विद डिफरेंट यूनिट सेल यू शुड प्रैक्टिस देम ओके सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कवरिंग द पैकिंग एफिशियंसी एंड देन आई विल गो टू द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट यूनिट सेल्स ओके सो टिल देन थैंक यू